हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेरठ स्वाट प्रोग्राम बोले तो क्या बोल कर। ये मेरठ स्वाट प्रोग्राम को समझने से पहले हमारे को समझ आना स्वाटिंग बोले तो क्या बोल कर। स्वाटिंग बोले तो बहुत आसान है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में तो सॉर्ट करो और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट करो। तुम हमारे पास रैंडम नंबर देते हैं, उस रैंडम नंबर को तुम सॉर्ट कर कर असेंडिंग ऑर्डर में तो करो और डिसेंडिंग ऑर्डर में तो करो। इतना पता होने के बाद हमारे को समझ आना सॉर्टिंग कितना तरीका है हमारे पास करने के लिए। बहुत तरीका है, बबल सॉर्ट है, क्यूब सॉर्ट है, इंसाइजर सॉर्ट है। हम आज बढ़ रहे हैं मेर्ज सॉर्ट पर। मेर्ज सॉर्ट का नाम मेर्ज सॉर्ट ही क्यों रखे, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेर्ज सॉर्ट का नाम मेर्ज सॉर्ट क्यों रखे बोलो तो, वो मेर्ज कर हमारे को सॉर्ट कर देगा। मेर्ज सॉर्ट क्या करेगा बोलो तो, वो मेर्ज को कर हमारे को सॉर्ट करेगा। इस ये मेर्ज सॉर्ट एक टेक्निक को यूज करेगा, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक को यूज करेगा। हम देखेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक वो क्या है बोलकर। पहले हम दिखाऊंगा तुम्हारे डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। तब तक उसको डिवाइड करो, एक प्रॉब्लम रहेगा हमारे पास, उसको वो बड़ा रहा तो उसको और एक बार डिवाइड करो। तब तक डिवाइड करो उस प्रॉब्लम तुम्हारे को छोटा होने तक, उसका सॉल्यूशन फाइंड करने तक डिवाइड करो। यहाँ पर सब प्रॉब्लम दिखा रहा तुम्हारे को, वो सब प्रॉब्लम में पड़ा रहा तो उसको भी एक बार डिवाइड करो, उसको भी सब प्रॉब्लम में करो। तुम ऐसे ही करना, वो सॉल्यूशन तुम्हारे को सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने के बाद वो सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को कंबाइन करो, उसको सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। इसको इस इमेज को समझने के बाद तुम्हारे को बहुत आसान से समझ रहे हैं। यहाँ पर और एक इमेज दिखाऊंगा तुम्हारे को, और एक और इमेज इस इमेज यहाँ पर हमारे पास एक रैंडम नंबर दिया है ऊपर 38, 27, 43। उसको बड़ा लग रहा है इसलिए हम छोटे करें, हम 32 यहाँ पर डिवाइड करें उसको। यहाँ पर डिवाइड कर दो, ये दो हुआ, ये भी हमारे को बड़ा लग रहा था इसलिए उसको भी डिवाइड करूँ मैं। डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है हमारे को आउटपुट 38, 27। ये भी हमारे को बड़ा लगा और एक बार डिवाइड करा, 38, 27 आया। खाली 38 आया और यहाँ पर 27 आया। यहाँ पर 38 को तुम तब तक डिवाइड नहीं करना आता, उसको 38 को डिवाइड नहीं करना आता बोले तो उसको जोड़ो, तुम मर्ज करो उसको। 38, 27 को मर्ज करे तो 27 बड़ा है ना 38 से, यहाँ पर 27, 38। और यहाँ पर 43, 3 दिख रहा ना तुम्हारे को, तो 43, 3 को तुम उसको वो भी वो बड़ा लगा तो उसको भी डिवाइड करो। और 43, 3 दिख रहा ना उसको, एक 43 है और हुआ ना छोटा, वो छोटा होने के बाद डिवाइड नहीं करना उसको, कंबाइन करो जोड़ो। ऐसे होने ऐसे जोड़कर जोड़कर हमारा मैथ सॉल्व प्रोग्राम हुआ। बहुत आसान है ना इसको। अब हम करेंगे मैथ सॉल्व प्रोग्राम। मैथ सॉल्व प्रोग्राम करने से पर मेरा नोट तुम देखो, पहले मैथ सॉल्व का नोट देखो। यहाँ पर मेरा नोट्स देखो, मैं मेर्ज सॉर्ट प्रोग्राम में सी डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक को यूज कर कर यहाँ पर लिखा हूँ। यहाँ पर देखो तुम, मैं पहले एंटर है हाउ मेनी नंबर यू वांट टू एंटर ऐसा लिखा हूँ और स्कैनअप से नंबर ले रहा हूँ और तुम उस नंबर इतना नंबर मारो बोल रहा हूँ। और नंबर मारने के बाद उस नंबर को ले रहा इनपुट स्कैनअप से ले रहा हूँ और उसी नंबर को हम मैं यहाँ पर उस एरे को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ मेर्ज सॉर्ट में। और यहाँ पर जीरो लो बोल रहा है और एन माइनस वन हाई ऐसा। और ये होने के बाद सब मेरे शॉर्ट कॉल होने के बाद मेरे को प्रिंट होना होकर आना, तो सॉर्टेड लिस्ट ही बोलकर आना और प्रिंट होना यहाँ पर वो ये ऐसा मैं करा हूँ। बस इतना ही इसमें मेन प्रोग्राम में इतना ही करा हूँ। और ये मेरे शॉर्ट प्रोग्राम में देखो, ये मेरे शॉर्ट प्रोग्राम में इंट मीट बोलकर एक लिया हूँ। यहाँ पर मैं इंट ये बोलकर एक एरे आ रहा है, इंट लो बोल तो जीरो, पहले मैं जीरो पास कर रहा हूँ। इंट हाई बोले तो हमारे पास कितना नंबर कितना हमारा एरे का साइज रहता ना वो हाई आएगा हमारे पास। देखो अब तुम्हारे को पहले उसको दिखाऊंगा हाई कितना आया बोलो तो, यहाँ पर दिख रहा है तुम्हारे को हमारे एरे का साइज कितना है। लो बोले तो जीरो आएगा, हाई बोले तो 6 आएगा। अब
तब तक ये लूप चलता है, तब तक ये रिकर्सिव कॉल होता है, तब तक कैसा रिकर्सिव कॉल होता है बोले तो लो लेस देन हाई, लो लेस देन, अब लो कितना है जीरो, हाई कितना है सिक्स, लो जीरो है हाई सिक्स है बोले तो मैथ यहाँ पर मिड में आएगा, मिड इक्वल टू जीरो प्लस सिक्स, सिक्स होएगा, सिक्स जो ओवर टू थ्री, सिक्स जो ओवर टू थ्री, यहाँ पर मिड में थ्री होगा, यहाँ पर ये में जीरो, लो इज इक्वल टू जीरो, मिड थ्री, यहाँ पर ऐसे ही होगा देखो, पर मिड थ्री होगा। हाँ अब ऐसे ही समझो, इसको समझेंगे पहले, हम पहले इसको करेंगे, ये क्या हुआ अरे को पास कर रहे हैं हम, लो बोले तो जीरो, मिड बोले तो सिक्स, मिड बोले तो सिक्स नहीं थ्री है, अब थ्री, और एक बार मेरे शॉट को ही कॉल कर रहा है, मेरे शॉट को ही कॉल कर रहा है, यहाँ पर अरे आया, यहाँ पर जीरो आ रहा, यहाँ पर हाई कितना बोले तो थ्री आ रहा भाई, हाई थ्री, जीरो लेस देन हाई, लो बोले तो जीरो है ना, जीरो लेस देन हाई, जीरो से जीरो छोटा है हाई से, हाई क्या है थ्री, छोटा है हाई, छोटा है बोले तो अंदर आना, जीरो प्लस हाई, जीरो प्लस हाई, जीरो हाई बोले तो कितना थ्री, जीरो प्लस थ्री थ्री, थ्री डिवाइड टू बोले तो कितना होता है वन पॉइंट फाइव, बट यहाँ पर इंटीजर डिवीजन है, यहाँ पर वन आएगा सिर्फ वन, ये एरे पास कर रहे हैं हम जीरो जीरो, मिड कितना है वन है, अब ऐसा वन, यहाँ पर और एक बार कॉल कर रहे हैं हम इंट ए, लो बोले तो इंट लो बोले तो जीरो, हाई बोले तो वन, जीरो छोटा है वन से, हाँ छोटा है वन से बोले तो जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन कितना हुआ वन होगा, वन डिवर टू बोले तो वन डिवर टू बोले तो जीरो पॉइंट फाइव, बट इंटीजर जो डिवीजन बोले तो जीरो, ये लो बोले तो जीरो, मिड बोले तो जीरो, मिड भी जीरो है लो भी जीरो, अब और एक बार कॉल हो रहा है ऐसे ही, इंट लो बोले तो जीरो आया, हाई बोले तो भी जीरो आया, पर मिड में क्या था ना वही जीरो आया, जीरो आने के बाद यहाँ पर देखो जीरो छोटा है जीरो से, नहीं है ना, इसलिए एल्स में आएगा रिटर्न वन, रिटर्न वन, रिटर्न वन बोले तो एक कहाँ से कॉल हुआ था ना वहाँ पर जाएगा, इसको कॉल होने के बाद एक कॉल होने के वापस जाएगा, एक कहाँ पर कॉल हुआ था यहाँ पर कॉल हुआ था हमारे को, इसलिए वापस आएगा इस पर, अब ये कॉल होगा मेरा शॉट ये, अब मेरा हमारा मिड कितना था पहले जीरो था ना, जीरो बोले तो वन हो गया यहाँ पर, ऐसे ही कॉल होगा कंटिन्यू होने के बाद ऐसे होगा तुम्हारे को प्रोग्राम, यहाँ पर देखो जीरो था ना जीरो वन होगा, जीरो वन होने के बाद और जीरो होगा, यहाँ पर पहले तुम समझ लो जीरो से सिक्स तक, जीरो से सिक्स पर यहाँ पर राइट हैंड साइड में फोर टू सिक्स होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जीरो टू थ्री होगा, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में और बढ़ाए बोलते और एक होगा, जीरो से वन होगा और राइट हैंड साइड में टू टू से थ्री होगा, ये बड़ा रहा तो ये और एक बड़ा है बोले तो इसको और हम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जीरो होगा राइट हैंड साइड में वन होगा, ये जीरो से जीरो हम नए आए वापस यहाँ पर आता है, यहाँ पर ही आते हम इसको और छोटा नहीं कर सकते हम, वापस यहाँ पर ही आते हम, यहाँ पर आने के बाद वापस इसको कॉल करेंगे, लो भी एक ही होता यहाँ पर मिड वन, मिड बोले तो हमारा एक ही था, हाई भी एक ही हुआ था, होने के बाद इसको कॉम्बे होने के बाद हम क्या करें बोले तो इसको कॉल हुआ ना, अब इसको हम कॉम्बाइन करें 27 30, तुम इस प्रोग्राम को तुम एक बार ट्रेस करो, बहुत आसान है, इसको देखो तुम्हारे को एक एनिमेशन भी दिखाऊंगा, तुम्हारे को मैं एनिमेशन, उस एनिमेशन दिखाने के बाद मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा, एनिमेशन दिखाने के बाद मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा कैसे हम प्रोग्राम को कर सकते हैं टर्बो सी में। हेलो दोस्तों, अब तुम्हारे को मैं दिखाऊंगा मेरे शॉट का एनिमेशन, पर देखो मैं शॉट का एनिमेशन दिखाऊंगा तुम्हारे को, यहाँ पर तुम विकिपीडिया में जाओ मेरे शॉट का, यहाँ पर तुम देख सकते हैं मेरे शॉट का एनिमेशन, इसको देखो पहले, अब पर हमारे पास इतना था पहले से दिखाऊंगा तुम्हारे को, पता नहीं हो तो अब देखो इसको पहले हम देखेंगे, इस एनिमेशन को देखो तुम, हमारे पास पहले इतना नंबर था, अब इसको डिवाइड करें, अब इसको डिवाइड करें लेफ्ट हैंड पे और लेफ्ट राइट हैंड साइड कर डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद सबको डिवाइड करें, और डिवाइड नहीं करना आता हमको, कॉम्बाइन करें हम, देखो फाइव और सिक्स, अब वन एंड थ्री आता,
1 3, अब 7 एंड 8 ऐसे ही हम करते हैं, अरे 2 4 ऐसे ही इसको। हाँ देखो तो ऐसे ही हम 1 3 और 5 6, और यहाँ पर 2 2 आएगा अपर से, 2 4 7 8। हाँ और इस अब इस दोनों को हम कंबाइन करना, 1 2 3 आएगा ऐसे। तुम ऐसे यहाँ पर जीप को तुम देख सकते हो बहुत अच्छे से, विकिपीडिया हमारे को बताया है बहुत अच्छे से। यहाँ पर तुम्हारे को डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद सबको मर्ज करना, ऐसे विकिपीडिया हमारे को बताया। यहाँ पर देखो, अब मैं तुम्हारे को प्रोग्राम कर दिखाऊंगा मैं टर्बो सी में। देखो हेलो दोस्तों, मैं यहाँ पर टर्बो सी में आया हूँ मेरा शॉर्ट प्रोग्राम करने के लिए। इस प्रोग्राम का सोर्स कोड चाहिए बोले तो तुम मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम जाओ, इस प्रोग्राम का सोर्स कोड मैं जो तुम्हारे को दूंगा। यहाँ पर अब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, यहाँ पर अब मैं इंट बोलकर इसका एरे का साइज में 20 ले रहा हूँ, 20 ले रहा हूँ 20, और इसका एन बोलकर ले रहा हूँ नंबर। अब तुम कितना नंबर दे सकते हो बोलकर आई बोलकर एक ले रहा हूँ, तो मैं क्लियर स्क्रीन बोलकर लिख रहा हूँ, क्लियर स्क्रीन क्लियर होना हमारा मेरा स्क्रीन। और यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रिंटर एंटर, हाउ मनी नंबर यू वांट टू एंटर, नंबर यू वांट टू एंटर, वांट टू एंटर। ऐसे यूजर को एक मैसेज आना, एंटर हाउ मनी नंबर नंबर्स, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। कि प्रिंटर पे तुम क्या लिख सकते हो ना वही प्रिंट होगा, एंटर हाउ मनी नंबर यू वांट टू एंटर। यहाँ पर यूजर को मैं पूछ रहा हूँ, यूजर मैं क्या तो हमारे को देने के बाद पर स्कैन अप ले रहा हूँ, यूजर क्या तुम अब स्कैन अप में एड्रेस पास कर रहा हूँ इनका एड्रेस, एड्रेस अब एड्रेस पास कर रहा हूँ। अब यूजर 5 मारे तो हमारे को आना प्रिंट पे, एंटर एंटर 5 नंबर बोलकर हमारे को पूछ रहा है, एंटर 5 नंबर आने के लिए ऐसा कर सकते। अब 5 नंबर मारने के लिए यूजर को हमें फॉर लूप लेंगे, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इज इक्वल टू n, आई प्लस प्लस, उसमें यूजर हमारे को मारना एंटर 5 नंबर। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ परसेंट डी इज इक्वल टू पहले नंबर, यूजर क्या मारते ना उसमें पहले नंबर पे स्टोर होना हमारे पर एरे का, इसलिए मैं एड्रेस अब ए इज इक्वल टू आई कर रहा हूँ। सेकेंड मारे तो लूप ऐसे चलता है, सेकेंड मारे तो सेकेंड सेकेंड में स्टोर होगा। अब ये होने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सर को कॉल करूँगा बस, मैं सर को कॉल कर रहा हूँ, मैं सर को पहले एरे पास करूँगा और उसमें एक 0 लो पास करूँगा और हाई हाई बोलकर एन माइनस 1 मैं कितना मार सकता हूँ यूजर उसको। अब ये मारने के बाद हम मेरे को प्रिंट करना ना, प्रिंट अप मैं डालूँगा प्रिंट अप सॉर्टेड ऑर्डर इज सॉर्टेड 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 ऑर्डर ना सॉर्टेड ऑर्डर नंबर स्लैश लेन यूजर को ऐसे नीचे प्रिंट होना, इसलिए ऐसे चलो। अब एक फॉर लूप प्रिंट करने के लिए आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इज इक्वल टू एन और आई प्लस प्लस, यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट अप परसेंटेज थोड़ा स्पेस देंगे, परसेंटेज डी थोड़ा और स्पेस देंगे
अपन फिर अपन थोड़ा स्पेस दूंगा, स्पेस देने के बाद अपन प्रिंट करूंगा मैं ये फाइव। ऐसा होने के बाद फॉर लूप को क्लोज कर रहा हूँ, अपन गेट स्पेस बोल दो, गेट स्पेस बस इसको इतना। अब एक मैं मैथ शॉर्ट बोलकर एक प्रोग्राम फंक्शन को क्रिएट करूंगा मैं, मैथ को इन मैथ शॉर्ट इन मैथ शॉर्ट। अब पर एक एरे ले रहा हूँ मैं इन ए इज इक्वल टू ए एंड उसमें एक लो ले रहा हूँ इन लो और इन हाई, इन हाई दे रहा हूँ। अब मैं एक एक वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ इन मेड एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ मैं छोटा होना चाहिए इन मेड ग्रोथ मिड बोलकर एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ वो मिड कर मेरा लो लेस देन है हाई से तो मर्ज करो उसको, उसको और छोटा कर दो। तो और छोटा करो कितना करो बोल दो, इसमें एक मिड में हमारा मिड में लो प्लस हाई और ऐसा डिवाइड करो डिवाइड बाई टू करो बस। अब मैं मैथ शॉर्ट को कॉल कर रहा हूँ मैथ, उसमें एक पास कर रहा हूँ, एक पास करने के बाद लो पास कर रहा हूँ लो और मिड पास करो, ये मिड क्यों करा बोल दो जीरो मिड कहा जाता है कि हमारा मिड डिवाइड होता है ना एक लेफ्ट साइड होता है और एक राइट साइड करना पड़े तो मिड कहाँ से डिवाइड हुआ ना, मैं शॉर्ट कट लिखा ना कहाँ से डिवाइड हुआ ना मिड प्लस वन कहाँ से डिवाइड तब वहाँ से राइट साइड तुम करो बोलकर मैं कर रहा हूँ एक हाई बोलकर दे रहा बस इतना ही करना तुम। अब एक मैर्ज फंक्शन को कॉल करो, इसको सब होने के बाद मैर्ज होना ना वो मैर्ज देगा इन थोड़ा तुम लो डालो और मिड डालो और क्या पर हाई डालो, इसको क्लोज करो इसको क्लोज और इसको सेव करेंगे, सेव करेंगे जब तुम मारना तुम सेव होगा। अब रन करेंगे सिर्फ इतना ही रन करेंगे देखेंगे तो क्या हो रहा, इसको रन करेंगे बस रन में जाएंगे, रन करने से पहले कंपाइल करेंगे, कंपाइल कर रहा था अपने जो आ रहा अनडिफाइन सिंबल अंडर स्कोर कहाँ पर आ रहा देखिए एपर अंडर स्कोर एपर है हमारे पास, उस अंडर स्कोर को निकालूंगा मैं और एप टू करके सेव करूंगा इसको और अल्ट एफ नाइन बोलकर इसको और एक बार एरर आ रहा फंक्शन शुड रिटर्न वैल्यू फंक्शन एक रिटर्न करना ओके। ऐसा होने के बाद मैं रिटर्न करना चाह रहा हूँ फंक्शन को एल्स में लिख रहा हूँ, एल्स में लिख रहा हूँ रिटर्न एल्स में लिख रहा हूँ मैं थोड़ा रिटर्न वन बोल को क्लोज कर रहा हूँ एल्स को इसको ही क्या करो। अब इसको सेव कर रहे तो मारकर और अल्ट एफ नाइन होकर इसको सर्च कर दो अब फंक्शन शुड रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू मैं मारा हूँ अब और क्या रहा देखिए तो एल्स में नहीं देगा मैं
नहीं चला तो सही रहेगा। अब तो अपना एंड सिंबल मर्ज है वो इसका खापर आया देखेंगे एंड डिफरेंट सिंबल मर्ज मॉडल। ओके अब हमारे को बता रहे हैं तुम अभी मर्ज फंक्शन क्रिएट नहीं करे इसलिए यार आ रहा बोलकर बता रहे हैं। अपर जाएंगे इसको पर ऐसा स्टक हुआ है स्टक होने के बाद रिपेंट डेस्कटॉप सब कुछ सेव करेंगे अल्ट अपना करेंगे क्योंकि और ऐसा ही आ रहा है इसको हम कमेंट करेंगे एफ टू करेंगे अल्ट अपना अनडिफाइंड सिंबल मैथ शॉर्ट मॉडल मैथ। ओके पर मैं स्पेलिंग गलत लिखा हूँ मैर्ज पर स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है पर देखो मैर्जर बोलकर लिख रहा हूँ मैर्जर उसको नहीं इस मैर्जर बोलकर लिखा हूँ बस इसको सेव करूँगा अब रन करूँगा बस हमारा प्रोग्राम रन हुआ मोबाइल हुआ। अब मैं इसको करना चाह रहा हूँ इसको मैं लिख रहा हूँ मैथ फंक्शन लिख रहा हूँ मैथ कैसे लिख सकता हूँ मैं मैथ लिखने के लिए मैं तो वाइड बोलकर एक मैथ बोलकर लिख रहा हूँ मैथ क्या क्या ले रहा है इंट ये और उसमें मैं इसको नेम दूंगा स्टार्ट बोलकर मैं कैसे स्टार्ट अकबर इंट मिड और इंट कैट बोलकर यहाँ पर कर रहा हूँ अब देखो ऐसा होने के बाद ये मैथ्स में क्या करता बोले तो मैथ्स करना ना अब क्या करना मैं मैथ्स करना बोले तुम एक बार सोच दो पहले हम एक बी बोलकर एक वेरिएबल लेंगे और एजे के हम डिफाइन करेंगे तुम बी में मैं 20 एक एरे ले रहा हूँ टू एक एरे ले रहा बोल दो उस ए में मैं मर्ज करता ना उस बी में स्टोर करता मैं स्टोर करने के बाद थोड़ा मेरे को टेम्पररी वेरिएबल चाहिए इसको। अब ये होने के बाद मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ मैं पहले आई में कर रहा हूँ स्टार्ट बोलकर और के में भी कर रहा हूँ स्टार्ट बोलकर सेम प्रोग्राम के में कर रहा हूँ स्टार्ट बोलकर और के में स्टार्ट होने के बाद मैं कर रहा हूँ अब हाँ जे में मैं क्या करा बोल तो मिड वन फल से स्टार्ट होगा ऐसे क्यों करा बोल तो पर कंपेयर करते ना हम कंपेयर कंपेयर करना बोल तो मिड वन से स्टार्ट हो हाई से कंपेयर करते पर तो मैं एक बार लिख रहा हूँ वाइल आई लेस देन इज इक्वल टू मिड मिड होने तक रहता होता ना तुम एक बार यहाँ पर मैथ्स को तुम समझ लो अच्छे से मेरे को पता होगा मैं अच्छे से क्लियर से नहीं बता रहा कि जल्दी जल्दी होना मेरा वीडियो उसमें आई लिख रहा हूँ तब तक वो तब तक होना चाहिए मेरा तब तक होना चाहिए मेरे को। अब इसमें क्या करना पड़ेगा तो ये आई लेस देन ये आई जैसे लेस देन तो करो तुम इक्वल टू करो क्या भी नहीं करो इक्वल टू है लेस देन तो इसमें तुम आओ बी बी के में आने के बाद बी के में ये आई डालो तुम अब आई को इंक्रीमेंट करो आई प्लस वन और के को इंक्रीमेंट करो बस के प्लस वन इसको भी क्लोज करेंगे यहाँ पर ही ऐसा नहीं हो तो यार उसमें आना तुम तो। एल्स में क्या करेंगे एल्स में कर रहे हैं हम
बी का के वहां पर आना इक्वल टू बट एक जे आ थोड़ा ऊपर देखो देखो एक जे आना। अब ये होने के बाद थोड़ा जे को इंक्रीमेंट करूंगा मैं, जे प्लस वन के इक्वल टू के प्लस वन ऐसा होगा बस कितना होने के बाद। यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ while I less than is equal to mid ऐसा क्यों लिखा हूँ, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं तो बहुत अच्छे से सुन, मुझे तो बहुत आसान हो इसको इसको ऐसा क्यों लिख रहा बोले तो हमारे एक बार यहाँ पर तुम देखो ऊपर हमारा I के पास सब होने के बाद आई छोटा होए तो मिड से आई छोटा होए तो अब पर हमारा वही लूप बाहर आता ना, वही लूप यहाँ पर ही क्लोज करना पर वही लूप बाहर आने के बाद वही लूप से हम हमारा आई और बचा होए तो और बी में ऐसे ही डालो तुम बी में बी इज इक्वल टू के आई ऐसे ही डालो आई से आई इज इक्वल टू आई ऐसे ही इसको थोड़ा बात करेंगे। क्या करेंगे बोल तो आई इज इक्वल टू पर सिर्फ इंक्रीमेंट करने के बाद आई को और एक बार इंक्रीमेंट करो और के को भी इंक्रीमेंट के होने के बाद ऐसे ही तुम जे को भी सेम करो ऐसे ही जे खाली रख जे अभी वैल्यू रहे तो जे को आगे ऐसे भी डालो बी इज इक्वल टू के B इज इक्वल टू के थोड़ा बड़ा हो गया B इज इक्वल टू के इज इक्वल टू उसमें हम ये जे डालेंगे के एवर वाइल जे तक तब तक रहना आई तक रहना तब पर मैं गलत लिख रहा हूँ क्यों हाई तक जे रहना बोले तो हम जे मिड प्लस वन से स्टार्ट कर रहे हैं ना इसलिए तुम अच्छे से इसको समझो तो बहुत आसान होगा तुम्हारे को। मैं सिर्फ कोड देने के लिए मैं तुम्हारे को ये बता रहा हूँ सिर्फ ये प्लस बस ये वही लूप हुआ ये वही लूप नीचे के कौन सा तो है फंक्शन का है बस। ये होने के बाद अब मैं क्या करूँ सब हुआ ना अब होने के बाद मैं कर रहा हूँ उसको मैं उसको मैं बी में क्या क्या आता ना उसको एक डालना ना हमारा ए में इसलिए उसको मैं ले रहा हूँ फॉर अबर मैं थोड़ा फॉर को फॉर आई इज इक्वल टू रो आई लेस देन इज इक्वल टू एन आई लेस देन इज इक्वल टू एन आई होने के बाद ए में क्या क्या रहा था बी में डालो बी में क्या क्या रहा था ना ए में डालो बस हुआ प्रोग्राम। इतना आसान है प्रोग्राम तो उसको समझना बोलो। अब इसको सेव करेंगे एफ टू में अब कंपाइल करेंगे कुछ एरर आता देखेंगे तीन एरर आ रहा देखेंगे क्या स्टेटमेंट इज मिसिंग ओके स्टेटमेंट हम मिसिंग करें अगर स्टेटमेंट मिसिंग करें स्टेटमेंट को और एफ टू से सेव करेंगे अल्ट एफ9 और हाई एरर है अनडिफाइंड सिंबल हाई अब ओके ओके हम बहुत एरर करें क्योंकि मैं यहाँ पर स्टार्ट और एंड लिया हूँ यहाँ पर हाई में लिख रहा हूँ इसलिए मेरे को बहुत एरर आया
इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पर गलत लिखा हूँ, इसलिए ऊपर ही मैं यहाँ पर स्टार्ट लिखा ना, ऊपर ही मैं थोड़ा इसको इसको मैं स्टार्ट नहीं इसको लो लेंगा, क्योंकि सब पर हम चेंज करने में बहुत टाइम लगे, इसलिए ऊपर ही मैं ले रहा हूँ लो। पर मैं थोड़ा टेरिबल यार दिया था, बट समझ आने के लिए दिया था मैं, अकबर थोड़ा कन्फ्यूज हुआ, ऊपर ही मैं ऐसा लिया। अभी इस यहाँ पर भी लो देना, यहाँ पर भी लो देना, यहाँ पर भी लो। बस इसको यहाँ पर सेव करके ऑल टैब नाइन से मार और तीन एरर आ रहा। ठीक है, अनडिफाइंड सिंबल एल एल, हाँ यहाँ पर ऊपर एक एल आ गया, यहाँ पर एल आ गया, देखो यहाँ पर एक एल आ गया, यहाँ पर देखो उसको काट गए। और यहाँ पर सेव करेंगे ऑल टैब नाइन पर अनडिफाइंड अटिन स्टेटमेंट मिसिंग, कहाँ पर मशीन ये देखेंगे स्टेटमेंट मिसिंग करें, यहाँ पर भी हम एरर आएगा, एरर से डरना नहीं, एरर से करना ऑल टैब नाइन अनएक्सपेक्टेड। ओके ओके, कहाँ पर हो रहा हमारा, पर हमारा कर्ली ब्रैकेट दो हुआ है, इसको एक निकालो, हमारा कर्ली ब्रैकेट सिर्फ एक ही जाए, क्योंकि हम सब यहाँ पर क्लोज करें यहाँ पर ही। अब हम F2 से सेव करेंगे इसको अल्ट F9 पर, अब कुछ भी एक भी एरर नहीं, देखो यहाँ पर देखो कुछ भी एक भी एरर नहीं, मैं वो एक बार दिखाऊँ कंपेयर कर, एक भी एरर नहीं है, जीरो एरर है, इसको आप रन रन करेंगे रन। एंटर हाउ मनी नंबर यू वांट टू एंटर, मेरे को सिर्फ 4 नंबर एंटर, अब एंटर 4 नंबर, 12 करूँगा, 3 करूँगा, 4 करूँगा, 2 करूँगा। यहाँ पर सॉर्टेड ऑर्डर, हमारा सॉर्टेड ऑर्डर गलत आया, गलत आ रहा है, तो हम यहाँ पर गलत लिखे हैं इस कोड को, इस कोड को हम सही करेंगे, देखेंगे क्या गलत लिखे बोलो, देखेंगे क्यों हमारा प्रोग्राम ऐसे ही आ रहा सेम, क्योंकि ऐसे ही क्यों आ रहा बोले तो, इस मैरिज को हम कॉल ही नहीं करें, इसको कमेंट करें, इसको कॉल करना चाहिए था, कॉल ही नहीं करे था, ये हमारा मिस्टेक हो गया, इसलिए ऐसे ही आ रहा सेम एरर, इसको काटेंगे, इसको कमेंट नहीं बोल रहे, और एक बार कंपाइल करेंगे, कंपाइल करें तो और एक एरर आ रहा, देखिए टाइप मिसमैच रीडिलीशन, ये मैरिज को रीडिक्लेयर करो बोल रहा है, मिसमैच हो रहा है, इंट में बाय डिफॉल्ट वो डिक्लेयर करेगा, बट हमारा बहुत हम दिया ना उसको, हम मैरिज को डिक्लेयर करेंगे, हमें मैरिज पहले हमारा मैरिज क्या लेगा, ये कह रहे बोल कर लेगा ना, कौन से इंट बोलकर, और सेकंड का आर्गुमेंट इंट लेगा, थर्ड का आर्गुमेंट भी इंट लेगा, फोर्थ का बेस्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का भी आर्गुमेंट इंट लेगा। कल जब मैं मारूंगा अभी इसको सेव करूँगा, अब से अब रन करूँ, अब रन करने के बाद एंटर हाउ मच नंबर यू वांट टू एंटर, मैं बोलूँगा 4 बोलूँगा, अब एंटर करूँगा 56 30 23 12 एंड 98। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर कर देना, 12 23 56 98 असेंडिंग ऑर्डर में कर कर देख कर आना, और मेरा बुक में क्या एग्जाम्पल था उसको मैं कर कर दिखाऊंगा तुम्हारे को, कंट्रोल एम में मेरा बुक में 7 तो है 38 27 43 3 9 82 एंड 10। इसको रन कर देखो, 3 9 10 27 38 43 82, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो ना, ऐसे भी तुम भी कर सकते हैं, बहुत और एक बार रन करेंगे, मैं 4 मारूंगा, 4 मारने के बाद और एक देऊंगा, और एक देऊंगा, 2 देऊंगा, और 9 देऊंगा, करेक्ट आ रहा है, और एक बार रन मारूंगा, एक बार 5 करूंगा, एक बार 4 करूंगा, 56 करूंगा, 23 करूंगा, 22 करूंगा, 34 करूंगा, 4 22 23 54 56, इतना आसान है
देखो ऐसे तुम भी कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।